अगर कोई पोलराइज लाइट हो प्लस 10 वाला डॉट गायब हो गया, पोलराइज लाइट है और इसके पास एक्सेस से थीटा एंगल पे अगर दूसरा हम लोग पास एक्सेस रखें पोलराइज पी टू का, याद है ना इधर एडेस मिलता था एक और थीटा और इंटेंसिटी क्या होता था बताओ, ऐसा मिला था हमें आईडेस, यानी कि थीटा के हिसाब से ये चेंज होता है, थीटा इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम इसलिए चलता है आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के हिसाब से आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें वैरी करने से थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखोगे 0 हो जाएगा और 180 रखोगे तो फिर मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैलस लॉ था ये, क्या था ये मैलस लॉ। इस बेसिस में हम लोग समझते हैं भाई कि जब भी हम लोग एक पोलराइजर था दूसरे को हम लोग बोलते हैं एनालाइजर, दूसरे को क्या बोलते हैं क्योंकि ये एनालाइज करेगा हमारा कि पोलराइजेशन हुआ या नहीं हुआ, पार्शियल है या कम्प्लीटली पोलराइज है ये बताता है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या हुआ था भाई कि इफ वी रोटेट एनालाइजर वन रोटेशन लगाएं, याद होगा टेस्ट करना है जैसे लाइट रे आ रहा हो टेस्ट करना है पोलराइज हुआ है या नहीं, तो भाई यहाँ पे एक एनालाइजर रखो, क्या रखो एनालाइजर को रोटेट कराओ ऐसे करके रोटेट करा। अगर मान लो इधर वाला पोलराइजर जो इसको पोलराइज किया था वो ऐसा पास एक्सिस था वर्टिकल, तो अगर वर्टिकल ही एनालाइजर हो तो ये आई नॉट था इंटेंसिटी पोलराइज लाइट का, तो यही आई नॉट यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये तो कुछ करेगा ही नहीं, लेकिन इसको थोड़े एंगल पे रखे थीटा एंगल पे तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और 90 डिग्री पे कर दे तो 0 हो जाएगा। तो एक रोटेशन यहाँ से ऐसे किया 90 डिग्री पे 0 हो गया, फिर 180 पे मैक्सिमम हो गया, फिर 270 पे 0 हो गया, फिर 360 पे मैक्सिमम। इट मींस वन कंप्लीट रोटेशन 2 टाइम्स मैक्सिमम एंड 2 टाइम्स 0 वन कंप्लीट रोटेशन के लिए, ये है पाई और इस तरह से ये 2 पाई। वन कंप्लीट रोटेशन में 2 मैक्सिमा, एक मैक्सिमा ये है एक मैक्सिमा ये है और 2 0 दो टाइम मैक्सिमम, क्योंकि एवरी टी बाई टू टाइम पे मैक्सिमम आता रहेगा, एवरी टी बाई टू टाइम पे 0 आता है, मतलब रोटेशन देखो तो ये 2 मैक्सिमम एंड 2 मिनिमम, मिनिमम मीन्स 0 इंटेंसिटी अगर हो, मिनिमम पे 0 इंटेंसिटी हो तो ये लाइट क्या था भाई पोलराइज था। अगर ये अनपोलराइज होता तो कैसा होता बताओ, अनपोलराइज होता तो इंटेंसिटी क्या रहता, आई डैश हमेशा आई नॉट ही रहता, आई नॉट मतलब जो मेन था अनपोलराइज लाइट का डिवाइडेड बाई 2, क्यों, क्योंकि अनपोलराइज लाइट होगा तो ये एनालाइजर जो रखोगे वो एक्चुअली में पोलराइज करने का काम करेगा और इधर क्या आया भाई तो आई डैश बाई 2 जो भी है इधर का इंटेंसिटी आई अनपोलराइज का डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट क्लास वाला, यह है ना समझे, तो नहीं समझ में आ गया जिसका नहीं हुआ है नहीं करेगा नहीं समझ में, तो ऐसे रोटेट करते रहेंगे तो इंटेंसिटी का नो वेरिएशन क्योंकि हर बार ये इंटेंसिटी उतना ही अनपोलराइज का हाफ ऐसे रखेंगे तब कितना इंटेंसिटी कितना अनपोलराइज वाले का हाफ ऐसे रखेंगे तब भी ऐसे रखेंगे तब भी, यानी कि नो इंटेंसिटी वेरिएशन ऑन रोटेटिंग द एनालाइजर देयर इज नो वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो उस कंडीशन में अनपोलराइज लाइट ये फिक्स रहता था कांस्टेंट, और वेरिएशन हो टू मैक्सिमा हो और टू मिनिमम हो बट मिनिमम नॉट इक्वल टू 0 हो, क्योंकि पार्शियल पोलराइज वाले में क्या होता था एक तरफ का वाइब्रेशन ज्यादा है दूसरे तरफ का वाइब्रेशन कम है, जिधर ज्यादा वाला है उधर रखा एनालाइजर को तो ज्यादा इंटेंसिटी हुआ, जिधर कम की तरफ जाओगे तो इंटेंसिटी कम होगी मिनिमम होगा मिनिमम लेकिन 0 नहीं होगा ऐसे, फिर मैक्सिमम होगा फिर 0 होगा, तो टू मैक्सिमम टू मिनिमम बट मिनिमम नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा लाइट बिफोर एनालाइजर वाज पार्शियल पोलराइज। ये तीन था पोलराइजेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था और अभी तो 15 मिनट्स में बाकी बच्चे के भी सब खत्म हो जाएंगे पोलराइजेशन का। अब जरा इसको पढ़ा जाए, यही हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आज भी नया बात अभी तक नहीं बोला है सब वही है, पढ़ो क्या लिखा है हाउ कैन वी डिटेक्ट। अब इसमें थोड़े बहुत मिस्टेक होंगे तो उसको ठीक किया जाएगा, पढ़ो फर्स्ट सेंटेंस तो ले
trace a polaroid in the path of given light. Slowly rotate the polaroid. ये polaroid है analyzer. ये polaroid क्या है? Analyzer है. Polarizer analyzer अपने आप में different नहीं होता. वो तो purpose जैसा रहेगा वैसा उसका नाम बताया था last class में. Slowly rotate the polaroid. Polaroid मतलब कौन? जो analysis purpose से रखा है. मतलब analyzer. Slowly rotate the polaroid and observe the intensity of light transmitted through. ठीक है, through the analyzer. Transmitted through. यहाँ पे insert कर रहा हूँ. कुछ रह गया analyzer. ठीक है, observe the intensity of light through the analyzer. Transmitted through the analyzer. उसके बाद if यहाँ पे if भी है. If the intensity of light varies, ठीक है, यहाँ पे लिख लो to the analyzer और उसके बाद कॉमा देकर के कैपिटल स्टॉप देकर के if intensity of light varies and in one complete rotation of a polaroid, polaroid मतलब analyzer, two times light intensity is maximum and two times light intensity is zero, that is complete darkness, then the given light is plain polaroid. समझ गए? सेकंड में क्या लिखा है भाई? ऑन द अदर हैंड इफ ऑन रोटेशन, पढ़ो जोर से आगे क्या लिखा है, रिमेन अनचेंज्ड देन द गिवन लाइट इज अनपोलराइज्ड. हाउएवर इफ ऑन रोटेशन ऑफ द पोलराइड, पोलराइड मतलब कौन? एनालाइजर. सब एनालाइजर है. ऑन रोटेशन ऑफ द पोलराइड द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट वेरीज बट मिनिमम इंटेंसिटी नेवर बिकम जीरो. Then the light is partially polarized. That is, it is a mixture of polarized light and unpolarized. एक polarized और एक unpolarized light को mix कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? Partial polarized. क्यों? क्योंकि polarized light में खाली vertical है मान लो, unpolarized में vertical भी है, horizontal भी है. जब ये दोनों combine हो जाएगा, तो vertical वाला और horizontal वाला जो same था, और एक और combine हुआ जिसमें सिर्फ vertical है, तो vertical वाला तो ज़्यादा हो गया. बट हॉरिजॉन्टल वाला तो कम रह गया, तो वो बन गया मिक्सचर ऑफ पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड, दैट इज पार्शियल पोलराइज्ड, जिसमें एक वेरिएशन ज्यादा होते हैं दूसरे तरफ वेरिएशन कम होते हैं, इसलिए बोलते हैं पार्शियल पोलराइज्ड. पार्शियली पोलराइज्ड लाइट इज दैट लाइट इन विच बोथ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रेजेंट. मतलब इधर वाला भी है इधर वाला भी, दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है बट वन इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर. एंड व्हेन सच लाइट इज व्यूड थ्रू रोटेटिंग एनालाइजर, जब ऐसा हम लोग देखते हैं व्यू करते हैं थ्रू रोटेटिंग एनालाइजर, वन सीज ए मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ इंटेंसिटी बट नॉट कंप्लीट डार्कनेस. कंप्लीट डार्कनेस नहीं मिलता. समझ गए हाउ टू डिटेक्ट. उसके बाद लिखा हुआ है एमएलएस लॉ. यहां हम लोगों ने ए के टर्म में बात किया, एम्पलीट्यूड बोला, यहां पे एम्पलीट्यूड को लिखा जाएगा ई नॉट. एम्पलीट्यूड क्या होता है? लाइट वेव का ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला. पढ़ो क्या लिखा है, इसमें एक मिस्टेक है, निकालो. एमएलएस लॉ में स्टेटमेंट देख लो, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट पास थ्रू आई नॉट, आई नॉट अगर पोलराइज्ड लाइट है, सेकंड पोलराइड बी इज हेल्ड इन द पाथ, और उसके बाद सच दैट पास एक्सिस ऑफ बी क्या हो गया, थीटा एंगल पे आ गया, तो इसने ई नॉट कॉस थीटा मिला. ए के बदले में ई नॉट लिखा हुआ है यहां पे, वहां से लाइट तो सारे ऑन करो, इधर तो लाइट ही दिखता है, नहीं होता है. E naught cos theta तो intensity हो गया I equal to k e square, यानी कि k E naught cos square theta cos square theta, तो I naught cos square theta मिल गया हमें, Mellers law है. और अगर theta zero रखेंगे तो I naught, और 90 degree रखेंगे तो ये देखो polaroid है, ये चीज हमारे पास है, ये मिलेगा, ये और ये दोनों plug करके एक case में रहता है, ऐसे rotate कराएंगे तो intensity vary करेगी. वो चीज प्रदूषण प्रदूषण से कौन पोलराइज हो सकता है? एक्सरे या साउंड वेव? एक्सरे. क्यों भाई? क्योंकि ये ट्रांसवर्स है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है. नहीं हो पाए एक्सरे, जो सेकंड पॉइंट था कंपेयर करने का 89 नंबर पेज पे, वो तुम चाहो तो देख लो. अब व्हेन देखो सेकंड पॉइंट पोलराइज और अनपोलराइज लाइट का जो डिफरेंस था, व्हेन अनपोलराइज लाइट इज पास थ्रू ए पोलराइड, अनपोलराइज लाइट जब पास करे पोलराइड से, देन द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट does not change on rotating the polaroid about its axis. Polaroid को अगर हम लोग मान लो unpolarized light है
तो क्लोराइड को रखता तो उसको रोटेट कराने से कोई इंटेंसिटी वेरिएशन नहीं होता। लेकिन मैंने प्लेन क्लोराइड इन पास थ्रू द क्लोराइड एक क्लोराइड से प्लेन क्लोराइड लाइट पास कराएं एंड क्लोराइड इज रोटेटेड मतलब एनालाइजर का काम करवाया तो देयर इज वेरिएशन इन द लाइट इंटेंसिटी बिटवीन जीरो एंड डेफिनेट मैक्सिमम था वेरिएशन होगा। अब तो समझ में आ गया क्यों वेरिएशन होगा। माइनस लॉ के हिसाब से होगा ये वेरिएशन I dash will be equal to I naught cos square theta। क्या लिख सकते हैं 11। उस समय मैंने रोक दिया था कि ये कंक्लूजन पॉइंट्स हैं ये सब समझ में आया जब डिटेल किया हुआ हो याद है। अब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पढ़ो क्या लिखा है सिंपल एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट एंड स्टडी इंटरफेरेंस फिनोमेना ऑफ लाइट। थॉमस यंग का जो एक्सपेरिमेंट था उसका पर्पस बेसिकली यही था कि समझना समझाना डेमोन्स्ट्रेट करना क्या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स इंटरफेरेंस फिनोमेना को जानना समझना एंड फॉर ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ इक्वल थिकनेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ये देखा कि उन्होंने एंड लोकेशन ऑफ एनदर ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम ऑन द स्क्रीन इज गिवन बाय एन लैम्डा डिवाइड डी। जो भी ब्राइट होंगे सेंट्रल पॉइंट से वो एन लैम्डा डिवाइड डी से फर्स्ट ब्राइट होंगे तो लैम्डा डिवाइड डी पे सेकंड ब्राइट टू लैम्डा डिवाइड डी पे थर्ड ब्राइट थ्री लैम्डा डिवाइड डी पे मींस डिफरेंट ब्राइट पॉइंट के लोकेशन इससे तो मिलता है एक्स इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी बाय डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा इससे तो मिला हुआ। सिमिलरली एन एज अ डार्क बैंड इज लोकेटेड एट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम और उसका जो डिस्टेंस है टू एन माइनस वन लैम्डा डिवाइड डी। इसमें मिस्टेक है यहाँ आना चाहिए 2d क्योंकि फर्स्ट वाला आता है लैम्डा डी बाई 2d पे सेकंड वाला आता है यहाँ पे n का वैल्यू क्या करना पड़ेगा 1 से शुरू करना 1 2 3 4 अगर 2n प्लस 1 होता तो 0 से शुरू करते क्योंकि फर्स्ट वैल्यू क्या आना चाहिए फर्स्ट वैल्यू जो आना चाहिए पाथ डिफरेंस का देखो x स्मॉल d अपॉन कैपिटल d ये था पाथ डिफरेंस तो फर्स्ट वैल्यू आना चाहिए लैम्डा बाई 2 यानी कि पहला वैल्यू जो होना चाहिए वो लैम्डा डी 3 बाई 2 लैम्डा डी वैल्यू होना चाहिए तो एन का वैल्यू 1 रखोगे तो आएगा 3 और लैम्डा बाई 2 पांच डिफरेंस रख करके हम लोगों ने निकाला था तो इससे वैल्यू 2n माइनस 1 तो एन का वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे तो मिलेगा 3 लैम्डा डी वैल्यू डी 1 सिमिलरली 5 लैम्डा डी वैल्यू लैम्डा डी वैल्यू 2d तो 7 लैम्डा डी वैल्यू 2d इस तरह से मिलते रहेंगे तो ये लोकेशन पता लग गया वे डी दूसरे नंबर के तो लैम्डा डी बाई 2 डी इसके लिए अगर वन से शुरू करें एन से शुरू करेंगे तो क्या आएगा एन वन अरे एन वन रखेंगे तो क्या मिलेगा लैम्डा डी बाई 2d ठीक तो है लैम्डा डी बाई 2d तो आना चाहिए ना फर्स्ट डॉट के लिए फिर आना चाहिए 3 लैम्डा डी बाई 2d ये d1 है ये d2 है इसलिए एन का वैल्यू 1 से ही स्टार्ट करेंगे और इस तरह से डिफरेंट कंक्लूजन वाले पॉइंट करा गया। अब और जानना है इसमें एंगुलर फ्रिंज विड्थ एंड कंडीशंस फॉर गुड कंट्रास्ट एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस तो इसके आगे हम देखें ये सब हुआ करा था ये वाला 81 नंबर पेज पे आ गया में भी कुछ मिस्टेक्स हैं ये तो क्या लिख रखा है तुमने लेफ्ट हैंड साइड में कबल भी ठीक कर लेना है ये टाइपिंग मिस्टेक नीचे है फ्रिंज वेट पढ़ो यहाँ से पढ़ो ठीक है ये तो समझ गए फ्रिंज विड्थ हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा एंड टू सक्सेसिव मिनिमा बीटा का वैल्यू एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन करे मीन्स एक्स थ्री माइनस एक्स टू करे या फिर एक्स टू माइनस एक्स वन करे ये सब किया ही था हम लोगों ने और वैल्यू कितना आया था भाई वही लैम्डा डी बाई डी यही होता था। अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है वो जरा समझाएं
इसी नीचे लिखा हुआ है, इसलिए यहीं पर दिखा देता हूँ। देखो इस तरह से डिफरेंट ब्राइट और डार्क के पैटर्न बने हुए हैं। सेंट्रल ब्राइट है मान लो, ये इसको क्या बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट, इसको क्या बोलेंगे B1, और इसको B1, ये वाला आएगा B2, ये आएगा B2। ये सेंट्रल ब्राइट के बाद जो होगा पहला वो फर्स्ट, उसको उन सबको सेकेंडरी ब्राइट बोलते हैं। ये है मेन सेंट्रल ब्राइट, अदर आर सेकेंडरी ब्राइट। सेकेंडरी ब्राइट में जो फर्स्ट है वो है B1, जो सेकेंड होगा वो B2। इस तरह से चले। अब ये देखो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, डार्क टू डार्क गैप या फिर ब्राइट टू ब्राइट गैप, इसको हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। लैम्डा डिवाइड ही आता है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब है S1 S2, ये इसका सेंटर पॉइंट। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब है ये वाला, जो अगर सेंट्रल ब्राइट की बात करें तो सेंट्रल ब्राइट का एक्सटेंशन हम लोग समझते हैं D1 से लेकर के इधर D1 तक, यहाँ तक सेंट्रल ब्राइट का एरिया समझा जाएगा। तो सेंट्रल ब्राइट का लीनियर विड्थ ये है बीटा, इसको क्या बोलते हैं लीनियर विड्थ। और ये जितना एंगल बनाए सेंटर पे वो है एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। तो इस एंगुलर विड्थ को अगर निकालना चाहें तो बताओ क्या होगा। तो एंगुलर विड्थ को निकालने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस डी, रेडियस है कैपिटल डी। ऐसा नहीं कि ये सर्कल हो, ये आर्क लेंथ बन गया एक तरह से और ये रेडियस बन गया। रेडियस क्या है कैपिटल डी, क्योंकि तुम्हें पता है ये सब बहुत कम डिस्टेंस तक देखते हैं और ये वाला मीटर्स में होते हैं, ये सब सेंटीमीटर में होते हैं, पता है ना। तो इसलिए यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो वैल्यू आता है, भले देखने में तुम्हें 3 डिग्री दिख रहा हो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ आता है 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, ठीक है 1.5 डिग्री का, ऐसा थोड़ा थोड़ा आता है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब है एंगल सबटेंडेड बाई द फ्रिंज, जो ब्राइट फ्रिंज है तो ब्राइट फ्रिंज का निकाला हम लोगों ने। तो थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, तो बीटा, ये क्या है बीटा है, बीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, और बीटा कितना होता है लैम्डा डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, इसलिए कैंसिल होगा और क्या मिलेगा लैम्डा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये है सेंट्रल का, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगा। एक और होता है एंगुलर पोजिशन भी लिखना मत, ये क्या होगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और एक होता है एंगुलर पोजीशन, फॉर एग्जांपल D1 है, इसका एंगुलर पोजीशन क्या है भाई, तो इस रेफरेंस लाइन, यही रेफरेंस लाइन बनता है सेंटर वाला लाइन, इस लाइन से जितने एंगल पे हो उसको बोलेंगे एंगुलर पोजीशन ऑफ D1, इसको बोलेंगे एंगुलर पोजीशन ऑफ B1, मान लो अल्फा है। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क पे लिखना चाहें, एंगुलर पोजीशन मतलब पोजीशन बताने वाला, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क क्या होना चाहिए बताओ, ये थीटा वन से लोकेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्या होना चाहिए ये थीटा वन क्या होना चाहिए, ये क्या है बीटा बाई टू है, यहाँ पे कितना पड़ेगा बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, इसका मतलब क्या मिल जाएगा लैम्डा डी बाई डी, कैपिटल डी तो कैंसिल हो गया जैसे ये आया था उसी का आम आ जाएगा। तो ये एंगुलर पोजीशन ऑफ D1 हुआ, उसी तरह से एंगुलर पोजीशन ऑफ B1 भी लिखना होगा, तो ये बीटा, बीटा अपॉन कैपिटल डी लिखेंगे। एंगुलर पोजीशन ऑफ B2 लिखना होगा तो ये 2 बीटा अपॉन कैपिटल डी करेंगे, ये सब कैपिटल डी है, ठीक है, क्योंकि ये जितना है उससे हजारों टाइम्स ये ज्यादा है। कितने लोग समझे यहाँ का, तो यही है लिखा हुआ देखो यहाँ पे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अ लीनियर फ्रिंज विड्थ एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्प्रिंग फ्रॉम द डबल स्लिट कैपिटल डी। तो ये रेशियो बीटा अपॉन डी लैम्डा अपॉन डी निकल दिए, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, एंगुलर फ्रिंज विड्थ अगर बोला जाए तो कुछ बोला नहीं जा रहा कि सेंटर का निकालो या दूसरे का निकालो, तो क्या है सबका तो विड्थ उतना ही है बीटा अपॉन कैपिटल डी, ठीक है सबका विड्थ क्या है, चाहे सेंट्रल ब्राइट हो या सेकेंडरी ब्राइट हो, सबका फ्रिंज विड्थ उतना ही है लीनियर, और इसलिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ सेम होगा। अगर हम लोग इस बी वन का एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालना होगा तो ये ऐसे निकालेंगे, ये बीटा अपॉन डी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालो पहले, एंगुलर पोजीशन ही निकाल रहा है, एंगुलर पोजीशन सबका अलग अलग होगा, एंगुलर पोजीशन डी वन का अलग है, डी टू का अलग हो जाएगा, डी टू का तो ये 3/2 बीटा अपॉन डी हो जाएगा,
एंगुलर पोजीशन मतलब एंगल निकालने हैं, और एंगुलर विड्थ निकालोगे तो उसको एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। सो एवरी ब्रैकेट इज ऑफ सेम लीनियर विड्थ बीटा एंड सेम एंगुलर फ्रिंज विड्थ लैम्डा बाय बीटा। अगर हम लोग डी को चेंज करें, कैपिटल डी को चेंज करें, एंगुलर विड्थ नहीं चेंज होता। कैपिटल डी को चेंज करो मतलब स्क्रीन को और उधर ले जाएं तो उससे हमें कोई चेंज नहीं आएगा। किसमें? एंगुलर फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन लीनियर फ्रिंज विड्थ में चेंज आएगा कैपिटल डी चेंज करने पर। अगर इसको सेंट्रल लाइन से 2 डिग्री पे डार्क बनने हैं तो 2 डिग्री पे बनने हैं। ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन से 2 डिग्री पे डार्क बनने हैं तो 2 डिग्री पे बनने। अगर यहाँ स्क्रीन है तो यही पे बन रहा है, यहाँ स्क्रीन है तो थोड़ा और ऊपर बनेगा, उधर स्क्रीन है तो थोड़ा और गैप आएगा। देखो ये स्क्रीन यहाँ पे है तो तुम ये देखना डी वन यहाँ है। अगर ये स्क्रीन को यहाँ पे लेके चले जाए तो ये डी वन कहाँ जाएगा भाई? तो डी वन उतने ही एंगल पे जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा डी वन। सो कैपिटल डी हम लोग बढ़ाते हैं तो लीनियर फ्रिंज विड्थ तो घट जाएगा लीनियर फ्रिंज विड्थ, बट एंगुलर फ्रिंज विड्थ वही रहेगा क्योंकि एंगुलर फ्रिंज विड्थ में कैपिटल डी नहीं आता, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, इसलिए जो जिस तरह से एंगुलर पोजीशन ऑफ डी वन है वैसे ही दूसरे के एंगुलर पोजीशन मिलेगा। जिसका भी एंगुलर पोजीशन निकालना होगा निकाल सकते हैं सेंट्रल लाइन से एंगल। ये जो वाला जो लाइन है वही सेंट्रल लाइन है। ये तो लिख लिए एंगुलर पोजीशन तो पता लग गया, अब देखने हैं कंडीशंस। एंगुलर पोजीशन और फ्रिंज विड्थ निकालना होगा, एंगल के टर्म में निकालेंगे। जितने एंगल में हमारा विड्थ है 3 डिग्री का हो 5 डिग्री का हो जितना भी हो, अगर हमारा डार्क का एंगुलर पोजीशन 3 डिग्री का हुआ तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ 6 डिग्री हो जाए, होगा कि नहीं? फर्स्ट डार्क अगर सेंट्रल लाइन से 3 डिग्री पे है इसका मतलब एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट या कोई भी ब्राइट का एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो जाएगा 6 डिग्री, डबल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, बैठ जाओ भाई। डिस्कस इंटरफेरेंस पैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इंटरफेरेंस पैटर्न तो हम लोग डिस्कस कर लिए, लेकिन तुम्हें ये पता लगे कम से कम कि इंटरफेरेंस इज नथिंग बट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी है ड्यू टू सुपरपोजिशन। देखो इफ नो इंटरफेरेंस, अगर मान लो इंटरफेरेंस नहीं होता तो क्या होता? इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 83 के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है। तो मैं ये दिखाऊं कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन लिखो, सो दैट एनर्जी कंजर्वेशन फॉलोस ड्यूरिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ड्यूरिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा है। ये भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, तो अगर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, मान लो इफ नो इंटरफेरेंस, अगर इंटरफेरेंस नहीं होता तो क्या होता है स्क्रीन पे? S1 है S2 है लिखना बंद करो। अगर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता तो इंटरफेरेंस नहीं होता भाई, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन नहीं बनता, तो उस कंडीशन में इसका इंटेंसिटी आई था, इसका भी इंटेंसिटी आई था, कितना भाई? तो के स्क्वायर, इसका कितना? के स्क्वायर, इसका भी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर ब्राइट डार्क का पैटर्न नहीं होता, मतलब मेरे कहने का कि कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, दो ट्यूबलाइट समझो या दो बल्ब हमने ऑन कर दिया, तो ऑलमोस्ट क्या होता भाई? तो स्क्रीन का हर पॉइंट, जैसे अभी के कंडीशन में देखो इतने सारे लाइट ऑन है, इस बोर्ड पे कहीं ब्राइट डार्क का पैटर्न नहीं मिल रहा, इसका मतलब सब पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर एक लाइट का 10 लाइट रे इस पे कैप्चर हो रहा है तो दूसरे का भी 10 आएगा, ऑलमोस्ट तीसरे का भी 10 आएगा, इस तरह से सबके ऐड हो जाएंगे और जो इंटेंसिटी बनना होगा बन जाएगा इसका। जितना लाइट रेज इस पे पड़ेंगे उतना ही ज्यादा इंटेंस ये दिखेगा,
इसलिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे आई इसका इंटेंसिटी और आई इसका इंटेंसिटी मिलके क्या होता, टू आई होता, आई प्लस आई। इस तरह से दूसरे पॉइंट भी क्या होंगे, आई प्लस आई, ये भी आई प्लस आई, सब आई प्लस आई, यानी कि सब पे इंटेंसिटी क्या होता, टू आई। अगर कोई इंटरफेरेंस नहीं है तो सब पे इंटेंसिटी कितना है हर पॉइंट पे, टू आई, टू आई इंटेंसिटी। लेकिन अगर इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन यानी इंटरफेरेंस हो तो कहीं 4i हो जाता है तो कहीं 0 हो जाता है, कहीं 4i हो जाता है तो कहीं 0 हो जाता है। इस तरह से चेंज होते हैं भाई। इस तरह के वेरिएशन हैं। यहाँ पे 4i है तो यहाँ 0 है, फिर 4i है तो इधर 0 है, फिर 4i है इधर 0 है, जितना 4i है उतना 0 भी है। इसलिए इंटरफेरेंस अगर नहीं हुआ देन एवरी पॉइंट इज ऑफ सेम ब्राइटनेस, सबका ब्राइटनेस क्या होगा, सेम होगा, एंड उसका जो इंटेंसिटी आएगा, इंटेंसिटी एट ऑल पॉइंट्स, इंटेंसिटी एट ऑल पॉइंट्स, वो क्या होता, तो आई वन प्लस आई टू डेट इज आई प्लस आई होता, दोनों तो हमारा सेम था, आई प्लस आई डेट इज कितना मिलता, टू आई, ठीक है। लेकिन अगर इंटरफेरेंस होता, इफ इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, तो बताओ एवरेज इंटेंसिटी कहीं ज्यादा कहीं पे कम इंटेंसिटी, तो एवरेज इंटेंसिटी कितना होता भाई, तो जितने ब्राइट पॉइंट है उतने ही डार्क पॉइंट है, तो ब्राइट का इंटेंसिटी प्लस डार्क का इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 बोल सकते हैं। एक ब्राइट एग्जांपल करिए, क्योंकि हर तो ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क वही रिपीट हो रहा है, चाहे तो तुम 10 ब्राइट 10 डार्क ले लो, 10 ब्राइट 10 डार्क डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, 10 डार्क लिया 10 ब्राइट लिया डिवाइडेड बाय 20 करें, 5 ब्राइट 5 डार्क डिवाइडेड बाय 10 करें, या एक ब्राइट एक डार्क, क्योंकि यही पे हम तो बार बार चल रहे हैं, ब्राइट डार्क हो रहे हैं, तो एक के लिए जो निकलेगा वही सबके लिए एवरेज आता रहेगा भाई। इसलिए चाहे 10 के लिए निकालो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 10 आई बी प्लस 10 आई डी, डार्क पे इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई 20, बात एक ही है, बताओ ब्राइट पे कितना, डार्क पे कितना, डिवाइडेड बाई 2 किया कितना आया, यहाँ पे भी देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू 4 आई प्लस 0 डिवाइडेड बाई 20 क्या मिलेगा, 2i। सो अगर हमारा इंटरफेरेंस हुआ तब ऑन द एवरेज जो हमारा एवरेज इंटेंसिटी आ रहा है वो पूरे स्क्रीन के लिए वो एवरेज इंटेंसिटी 2i है, अगर इंटरफेरेंस नहीं हुआ तब भी सब पे एवरेज इंटेंसिटी क्या है, 2i है। इसमें एवरेज नहीं हुआ, इसमें सब पे है ही 2i, मतलब एवरेज टेस्ट में 50-50 मार्क्स आ गए, इसका किसी टेस्ट में 100 आ रहे हैं, किसी में 0 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 0, तो एवरेज क्या आ रहा है, 50। इसलिए इंटरफेरेंस नहीं होना और इंटरफेरेंस होना, ऑन द एवरेज सेम एनर्जी है, ऑन द एवरेज सेम एनर्जी है, बट ये हुआ कि इंटरफेरेंस होने से क्या हुआ, कहीं का इंटेंसिटी कम हो गया 2i से, 0 बन गया और वो 2i वाला शब्द यहाँ आगे चिपक गया, 2i पहले से था, 2i और आ गया, शिफ्ट हो गया, शिफ्टिंग हो गया, यहाँ का इंटेंसिटी शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, यहाँ ब्राइट बन गया, यहाँ का इंटेंसिटी यहाँ से यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, यहाँ ब्राइट बना, यहाँ डार्क बन गया, तो 2i कहीं रिड्यूस हुआ तो 2i कहीं अपीयर हुआ, फिर 2i रिड्यूस हुआ तो 2i कहीं अपीयर हुआ, इट मींस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑन द एवरेज, यानी टोटल और एवरेज सब सेम रहेंगे, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ब्राइट पॉइंट पे जो इंटेंसिटी अपीयर हुए हैं एक्स्ट्रा वो एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ इंटेंसिटी एट डार्क पॉइंट। चलो ये नेक्स्ट पेज पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, यही टॉपिक रह गया इंटरफेरेंस में, कंडीशंस क्या क्या है, खरा दस मिनट पढ़ लेते से टाइम कम है, बैठ जाओ तो पेज पे बैठ जाओ भाई, कंडीशंस फॉर गुड कंट्रास्ट एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। गुड कंट्रास्ट, अच्छा कंट्रास्ट भी मिले और सस्टेन स्टेबल हो इंटरफेरेंस।
कंडीशन नंबर वन लिखो, बोथ एस वन एंड एस टू लिखते चलो, बोथ एस वन एंड एस टू मस्ट बी क्या होना चाहिए भाई, कोहेरेंट सोर्स ऑफ होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। क्यों होना चाहिए ऐसा? S1 and S2 coherent source of light होना चाहिए, good contrast का और sustained stable interference pattern मिले इसके लिए। तो बताओ ये क्या करते हो? हर condition के आपको logic समझने हैं, जिन सब पे question आते हैं, सब one one mark से question। S1 S2 coherent होना चाहिए, अगर coherent नहीं है तो उस condition में interference pattern चाहे तो sustained नहीं हो या तो फिर गुड कंट्रास्ट का नहीं। बताओ भाई एस वन एस टू अगर कोहेरेंट ना हो तो क्या हो जाएगा? कोहेरेंट नहीं होने का मतलब क्या हुआ? फेज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। इफ फेज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट दैट इज इनकोहेरेंट सोर्स हो, क्या हो? इनकोहेरेंट सोर्सेस हो अगर तो क्या होगा? जो फ्रिंज पैटर्न है वो क्या नहीं होगा? फ्रिंज पैटर्न Will not be stable. नहीं। देखो ऐसा क्यों? S1 है, S2 है, इस वाले पॉइंट पे सेंट्रल वाइट मान लो बना। क्यों बना भाई? S1, S2 पेरेंट सोर्स से आइडेंटिकली सिचुएटेड है। 4 लैम्डा इधर, 10 लैम्डा इधर, 10 लैम्डा इधर, 14 लैम्डा ओवरऑल, 14 लैम्डा ओवरऑल, पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0, सेंट्रल ब्राइट। चलो ये तो दोनों कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट थे। अगर ये कोहेरेंट नहीं है, जो भी अभी थे इस हिसाब से मान लो यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो आया किसी मोमेंट पे, किसी टाइम पे फेज डिफरेंस अभी इस पॉइंट का मान लो ये एम पॉइंट है, तो इस एम पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना है? जीरो है। अभी जीरो है यहाँ पे, ब्राइट बना। लेकिन ये फेज डिफरेंस जो जीरो यहाँ दिख रहा है वो अभी का वर्क है, हो सकता है नेक्स्ट सेकंड में ये फेज डिफरेंस कुछ और हो जाए, क्योंकि फेज डिफरेंस तो कांस्टेंट रह नहीं रहा, अभी फेज डिफरेंस जीरो है ना, फिर टाइम बाद पाई हो जाए, फिर 3/2 हो जाए, 2π हो जाए, 5π/2 हो जाए, चेंज तो होता रहेगा टाइम के साथ, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है नहीं टाइम के साथ। तो जब टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो अभी के हिसाब से जब ये दोनों में फेज डिफरेंस जीरो था तो ये ब्राइट है, अब दोनों में फेज डिफरेंस अगर पाई हो जाए मान लो दूसरे सेकंड में तो उस समय तो डार्क बन जाएगा, फिर हमारा 2π आएगा फिर ब्राइट बन जाएगा। फिर जब फेज डिफरेंस थोड़े टाइम के बाद बढ़ते बढ़ते मान लो फेज डिफरेंस ये हमारा इस तरह का है ओमेगा इनटू टी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फेज डिफरेंस भी चेंज होता जा रहा है, वेरिएबल है ना, कांस्टेंट तो नहीं है, वेरी हो रहा है टाइम के साथ। जब टाइम के साथ वेरी हो रहा है तो यहाँ का कंडीशन भी टाइम के साथ बदलते रहेंगे, कभी फेज डिफरेंस जीरो, कभी फेज डिफरेंस 5/2, कभी पाई, चेंज होता रहेगा, तो उसके हिसाब से ब्राइटनेस भी चेंज होगा। इट मीन्स जो ब्राइट अभी है वो आगे के टाइम में नहीं है, थोड़ा टाइम में बदल गया, जो डार्क अभी दिख रहा है वो आगे ब्राइट भी हो सकता है, इसलिए फ्रिंज पैटर्न समझो ये चेंज होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, मिक्सिंग होता हुआ जा रहा है, इधर उधर चल रहा है, कोई स्टेबल नहीं है कंट्रास्ट जो है हमारा, जो ब्राइट और डार्क के जो पैटर्न है वो स्टेबल नहीं है टाइम के मामले में, वो टाइम वेरी। इसलिए अगर तुम मान लो स्केल लेके मेजर करना चाहो कि अच्छा भाई फ्रिंज विड्थ कितना है, जरा देख ले मेजर कर ले, तो स्केल लगाओगे तब तक तो वो चेंज हो जाएगा, ब्राइटनेस ब्राइटनेस में देख रहे हैं या डार्क डार्क में देख रहे हो, तब तक जैसे स्केल लगाओगे तब तक वो चेंज हो गया, तुम लोग मेजर भी नहीं कर पाएंगे, तो इट विल नॉट बी सस्टेन्ड, समझ गए, सस्टेन्ड या स्टेबल नहीं होगा, इसलिए कोहेरेंट होना जरूरी है। नंबर टू, ठीक है, फ्रिंज पैटर्न विल नॉट बी स्टेबल क्योंकि फेज डिफरेंस विल बी चेंजिंग विद टाइम, लिख लो, and hence no point can be bright or dark permanently. Time varying. Sub time varying.
कब क्या होगा वो डिपेंड करेगा उस समय के फेज डिफरेंस पे। फ्रिंज पैटर्न विल बी वेरिएबल विद टाइम, पैटर्न हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, टाइम के साथ वेरी होता रहेगा। चलो कंडीशन नंबर टू, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, शुड नॉट बी टू स्मॉल और टू लार्ज। ये क्यों होना चाहिए भाई? नहीं होगा तो क्या हो जाएगा वो देख लो। ऑब्जर्वेबल या डिटेक्टेबल होने के लिए ऐसा जरूरी है। देखो ये क्या करेगा वो समझे, मान लो अगर स्मॉल फ्रिंज विड्थ क्या होता है भाई, कैपिटल लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये होता है फ्रिंज विड्थ। बोर्ड पे देखो भाई, अगर ऐसा हो कि कैपिटल डी वेरी स्मॉल हो जाए या स्मॉल डी वेरी लार्ज हो जाए, इन दोनों केस में अगर ऐसा हो जाए कि कैपिटल डी वेरी स्मॉल तो बीटा को कर देगा वेरी स्मॉल, या कैपिटल स्मॉल डी वेरी लार्ज हो जाए तो बीटा को कर देगा वेरी स्मॉल। जब ये बीटा इतना स्मॉल हो जाए कि इस स्क्रीन पे पैटर्न जो फ्रिंज विड्थ दिख रहे हैं वो इस तरह का दिखे, तो ये ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। लाइट को हम लोग जो ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे कि स्क्रीन पे ऑलमोस्ट हर जगह पे सेम इंटेंसिटी ऐसा दिखेगा, ब्राइट डार्क का पैटर्न नहीं दिखेगा, क्योंकि आई कहां रिजॉल्विंग पावर है भाई, रिजॉल्विंग पावर है, ब्राइट और डार्क में सडन गैप होना चाहिए तब हम लोग डिस्टिंक्टली रिजॉल्व कर पाएंगे। रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है, इतना पावर हो कि जो ब्राइट और डार्क अलग अलग, जो दो ब्राइट अलग अलग दिख रहे हैं वो अलग अलग दिखा पाए, वो ऐसा ऑब्जर्व हम लोग नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यूस दिखेगा सेम ब्राइटनेस। फॉर एग्जाम्पल इस स्क्रीन पे आपको सेम ब्राइटनेस दिख रहा है, कहीं ब्राइट डार्क का पैटर्न तो नहीं दिख रहा, मतलब ऐसा तो नहीं कुछ लाइन्स दिख रहे हैं कि जो ब्राइट है और कुछ डार्क है, ऐसा तो नहीं कुछ दिख रहा आपको, जनरल इल्यूमिनेशन लग रहा है, जनरल ब्राइटनेस लग रहा है, जबकि फैक्ट क्या है कि इसमें ब्राइट और डार्क के पैटर्न आए हैं, आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, रिजॉल्विंग पावर आपका वो नहीं है। नहीं तो यहाँ पे पास आकर के देखो इसमें कितने लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं, ब्राइट और डार्क मतलब ब्लैक जैसा आपको दिखेगा, पास आकर के कौन आएगा आकर के देख, यहाँ पे वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है या नहीं, ब्राइट डार्क दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना, लेकिन उन लोगों को नहीं दिख रहा क्योंकि रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से इनका ब्राइटनेस है, देखो इसमें बहुत सारे स्क्वायर बने हुए हैं, इतने छोटे से एरिया में कम से कम हजारों स्क्वायर हैं, ऐसे ऐसे लाइन ऐसे ऐसे लाइन हैं, अब इतने बड़े बड़े लाइन रहेंगे स्क्वायर तो आपको तो दिखेंगे, लेकिन इतने रहेंगे तो नहीं दिख रहे हैं, जनरल इल्यूमिनेशन दिख रहा है लेकिन है नहीं है, ब्राइट डार्क के पैटर्न है इसमें। उसी तरह से यहाँ पे भी है, अगर रिजॉल्व नहीं कर पा रहे तो ये ब्राइट और दो दूसरे जो ब्राइट है बीच बीच में डार्क है वो पता ही नहीं लगेगा आपको, लगेगा जनरल इल्यूमिनेशन, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा हो जाए लैम्डा डी अपॉन डी होता है फ्रिंज विड्थ, अगर हमारा कैपिटल डी वेरी लार्ज हो जाए या स्मॉल डी वेरी स्मॉल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी वेरी लार्ज हो जाएगा। अभी केस में ये वेरी स्मॉल हो गया था, अब ये वेरी लार्ज हो जाए तो क्या होगा, तो भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्यों, ये है स्क्रीन, यहाँ है सेंट्रल ब्राइट, क्या है सेंट्रल ब्राइट,
इसका फ्रिंज विड्थ इतना ज़्यादा है कि इसका जो दूसरा ब्राइट है वो इधर है, ये सेंट्रल ब्राइट है, दूसरा ब्राइट है, इसलिए ये मान लो 2 मीटर का स्क्रीन है और इसका फ्रिंज विड्थ हो गया 10 मीटर। तो भाई अभी ब्राइट है उसका 10 मीटर के बाद ब्राइट आएगा, लेकिन स्क्रीन तो तुम्हारा 2 मीटर का है, इसमें तुम्हें क्या दिखेगा बताओ? ब्राइट का पैटर्न दिखेगा, तुम्हें दिखेगा जनरल इल्यूमिनेशन, हर जगह तुम्हें ब्राइटनेस सेम ही है, हर जगह ब्राइटनेस सेम ही है, इसलिए कोई डायरेक्टर का पैटर्न नहीं मिलेगा, दैट इज बोलोगे कि इंटरफेरेंस पैटर्न है नहीं, ये तो जनरल इल्यूमिनेशन है, क्योंकि इसका जो दूसरा ब्राइट है वो 10 मीटर पर है, इसका फर्स्ट डार्क 5 मीटर पर है, 5 मीटर की स्क्रीन गया ही नहीं, वहाँ कैसे दिखेगा? इसलिए वेरी लार्ज भी नहीं होना चाहिए, वेरी स्मॉल भी नहीं होना चाहिए, जो है रेंज वही होना चाहिए, नहीं तो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। लिख लो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ बन गया मान लो 10 मीटर और स्क्रीन का साइज है, साइज ऑफ स्क्रीन इज इक्वल टू 2 मीटर। यहाँ पे फ्रिंज विड्थ हो गया मान लो 10^-6 मीटर,